दुर्ग में तहसील साहू संघ महिला प्रकोष्ठ द्वारा भव्य सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तहसील साहू संघ महिला प्रकोष्ठ के द्वारा सावन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समाज की महिलाओं के द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। आयोजन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया था। साथ ही महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही मंच पर महिलाओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। बता दें, सावन महोत्सव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस आयोजन में तहसील साहू संघ महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष अनसुईया साहू, काजल साहू, नीता साहू, चंपा साहू, सुनीता साहू, डॉली साहू, कामिनी साहू, अनुपा साहू, प्रीति साहू, मधु साहू मुख्य रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा सम्मान दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्त माता कर्मा की आरती से हुई। तत्पश्चात कुर्सी दौड़, आलू दौड़, शिवलिंग सजाओ की प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। महिलाओं ने इसमें काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथियों ने महिलाओं की समझ में क्या भूमिका होनी चाहिए यह भी बताया एवं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक रूल्स, साइबर क्राइम के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ यहाँ पर दी गई। इस सावन महोत्सव का असली उद्देश्य महिलाओं को साइबर क्राइम एवं ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर समिति की महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी। हर साल होता है हमारा सावन महोत्सव, जो हमने इस साल फिर से आयोजित किया है और इसमें एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग महिलाओं को यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से शिक्षित हो, ये हमारा हर बार का ये आयोजन रहता है। पिछले बार हम लोगों ने पार्लर और सिलाई प्रशिक्षण से संबंधित अपना ये एक रंगारंग कार्यक्रम, लेकिन उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और इस बार हम जो हम सावन महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं वो है हमारी बहनें किस तरह अवेयरनेस हो, जिसमें क्राइम संबंधी जो साइबर क्राइम जो आजकल हो रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स जो हैं, उनके संबंध में हम ये जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन। हमारे बीच में अभी तो सतीश ठाकुर सर आने था उनको, लेकिन वो आ नहीं पाए किसी कारण से, तो बोधन साहू सर जो ASI हैं वो यहाँ आए हुए हैं और अभी जस्ट आप, मैं चाहूँगी कि उनका लाइव कवरेज भी लें, वो अभी जस्ट अपना सावन उत्सव का कार्यक्रम महिलाओं के लिए रखा गया है। इसमें शिवलिंग सजा प्रतियोगिता और आलू दौड़ का, कुर्सी दौड़ का और डांस प्रतियोगिता भी रखी गई है। तो इसमें इकाई, परिक्षेत्र और जिला से भी कई महिलाएं आए हुए हैं। सावन जैसे आप देखते हैं कि पेड़ पौधों में हरियाली आता है सावन में, वैसी महिलाओं के चेहरे में भी हरियाली आ जाता है सावन। मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है और आप पूछ रहे थे ना, तो यहाँ दुर्ग जिले के अंदर दमधा, पाटन और दुर्ग सभी जगह के महिलाएँ उपस्थित हुई हैं। यहाँ पे सभी का सांस्कृतिक कार्यक्रम लेके आई हैं। दुर्ग ग्रामीण का है, सभी की जनपद सदस्य आई हैं, दुर्ग शहर की पार्षदें आई हैं सभी, और बहुत अच्छा रंगारंगा कार्यक्रम हो रहा है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।